हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में। आज जो स्ट्रक्चर हम लोग सीखने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर नंबर 39, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे, सर यहाँ शैल भी तो होता है ना। आज के ज़माने में बोलते समय आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिंदास यूज़ कीजिए, ठीक है। फ्यूचर में जो काम हम लोग करेंगे उसके बारे में अभी बताना है कि हम लोग ये करेंगे, उसके लिए फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग अगले रविवार को पिकनिक पर जाएंगे, हम लोग अगले रविवार को, यहाँ गलत हाथ चला गया, अगले रविवार को पिकनिक पर जाएंगे। अगर हम बोलते हैं कि हम लोग अगले रविवार को पिकनिक पर जाएंगे, वी विल गो ऑन पिकनिक नेक्स्ट संडे। बोलते समय थोड़ा फ्लुएंसी लाने के लिए विल को भी शॉर्ट कर सकते हैं, विल गो, वी एपोस्ट्रॉफी डबल एल, वी विल का शॉर्ट फॉर्म, विल गो ऑन पिकनिक नेक्स्ट संडे। क्लियर है? बहुत सिंपल। आप इसी टेंस का यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर 40 के तहत, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग आपकी समस्या हल करने की कोशिश करेंगे, करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, विल ट्राई, विल ट्राई, वी विल, 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 विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। बहुत सिंपल है ना। हम लोग अगले रविवार को सिनेमा नहीं जाएंगे, विल नॉट गो टू द सिनेमा, विल नॉट, वी विल नॉट, मतलब विल नॉट गो टू द सिनेमा नेक्स्ट संडे, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 41, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वी थ्री। प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाएगा, पैसिव वॉइस, अपने आप पूरा नहीं हो जाएगा, कोई करेगा, लेकिन करने वाले का चर्चा हमने नहीं किया। जब काम करने वाले का चर्चा न करें तो वो पैसिव वॉइस होता है। सब्जेक्ट प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई तो करेगा, अर्थात सब प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लिया जाएगा, पैसिव वॉइस। तो ये भी फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन इसके काम करने वाले के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, तो इसीलिए पैसिव वॉइस होगा। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर से आप लोग फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, उनके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आपका काम है कमेंट्स में बताना ऐसी तीन चीज़ें जो आप अगले रविवार को करेंगे, थ्री थिंग्स दैट यू विल डू नेक्स्ट संडे, प्लीज़ राइट इन द कमेंट। थैंक यू।